यदि ब्रह्मांड का ये दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश पहुंचे। तुमने अपने हिस्से का कर्म तो कर लिया, परंतु अब तक तुम्हें कोई खास फल प्राप्त नहीं हो पाया। तुम उदास थे, थोड़ी सी शिकायतें थी, फिर भी तुम परमपिता परमेश्वर से कुछ नहीं कहते। एक समय ठीक हो जाएगा सब कुछ, इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में नित्य कर्मों पर ध्यान दे रहे हो, और मेरे प्रिय, यही एक श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान होती है। तुम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते मन में, किसी की आलोचना नहीं करते, घबराते नहीं विषम परिस्थितियों से, और तुम जब भी ऐसा करते हो, दृढ़ निश्चय के साथ एक कदम आगे बढ़ते हो। मैं भी एक कदम तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं। अब तुम्हें जो प्राप्त होगा सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारा जीवन बदलने आया हूं मैं, बदलने आया हूं मैं तुम्हारी किस्मत। तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य में कुछ ऐसी चीजें लिख ली हैं जो पहले से नहीं लिखी थी। हर मनुष्य जो श्रेष्ठ कार्य करता है, सही राह पर चलता है, सकारात्मक रहता है, उसे समय समय पर बड़े फल की प्राप्ति होती है। तुम्हारा भी शुभ समय प्रारंभ हो रहा है। अब हर कार्य बनेंगे तुम्हारे, मन प्रसन्न रहेगा, क्रोध तुमसे दूर रहेगा, हानि नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें भरपूर सहयोग करेंगे, और जीवन तुम्हारा सुखमय और आनंद से भरपूर हो जाएगा। ये तुम्हारे अच्छे कर्म है, ऐसे ही अच्छे कार्य करो, मैं नित्य ऐसे ही तुम्हारा साथ देता रहूंगा।